शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे रतिया के विधायक लक्ष्मण मापा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे परमादरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी, हिसार के हमारे मेयर गौतम सरदाना जी, बोधराज सीकरी जी, गिरिराज सीकरी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, सुरेंद्र गुलाटी जी, हरेंद्र कोहली जी, जितेंद्र जी, राहुल राणा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे धूमन सिंह किरमत जी, धर्मपाल चौधरी जी, मदन चौहान जी, हमारे यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारी गोहाना से नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी बिरमानी जी, धर्मवीर डागर जी, उमा सुधा जी, हरपाल चीका जी, संजय भटला जी, मंच पर विराजमान सभी पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के हमारे सभी पदाधिकारी, और आज कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में उपस्थित हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था,
वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है, और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए, और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए, माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है, उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था, जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या भी सर दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसे बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा, मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। भाइयों, किस प्रकार का मंजर था। आज मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्नाभर, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी आज आयोजित किया गया है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था, और आज फिर यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए, और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आसियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को
आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनत कश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं, उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। मुझे आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हो। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूँ। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में दादी से नानी की परियों वाली कहानियां न सुनकर उनके मुंह से बंटवारे के दर्द के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आज के दिन देश को एक गहरा जख्म दिया था। यह वही दिन है जब आजादी के लिए अंग्रेजों ने बंटवारे की शर्त हम पर थोपी थी। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के तीन टुकड़े कर दो देश बनाए गए थे। इस बंटवारे में बंगाल का भी विभाजन किया गया था। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वह बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि जज्जर में एक समृद्धि याद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनंद ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से
ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मुझे ये बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। और जो ये विभाजन विभीषिका है और इस विभाजन विभीषिका के ऊपर भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोग जो आज भी इसके ऊपर अपनी राजनीति को गर्म करने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों से इस बात से उनको आगाह करना चाहूंगा कि एक ऐसा ये समाज है, एक ऐसा वर्ग है जिसने अपना जीवन तपा करके जला करके इस देश और प्रदेश के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैसे समाज के ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनको इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर के ऊपर जो पंचनाथ ट्रस्ट स्मारक के जो सभी पदाधिकारी हैं, आज ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो इसका भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनकी याद में आज, क्योंकि जो आजादी हमें 15 अगस्त को मिली है उस आजादी की खुशियां हम कल मनाएंगे, परंतु उसका एक दर्द आज हम सब उसका बैठ करके सांझे तरीके से उस दर्द को भी देख रहे हैं कि आजादी ये ऐसे नहीं मिली। इस आजादी के पीछे हमारी बहुत सारी कुर्बानियां, हमारी पीढ़ियां उनका उन्होंने कुर्बानियां दी है और उन कुर्बानियों के कारण ये आजादी मिली है। ये आजादी हम इसको बनाए रखें और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये पूरा का पूरा समाज मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ खड़ा हो करके इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में ले जाने का, बनाने का काम वो करेगा। ये भारत दुनिया के अंदर ये फिर नंबर एक के ऊपर चमकेगा। इस दिशा के अंदर आज ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको और उन पूर्वजों को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है यहाँ पर, जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिशनरी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजिका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मेरा सभी